समुद्र की गहराई में एक से बढ़कर एक राक्षस हैं और जिंदा वही रहता है जो सबसे ताकतवर हो। वाव! हमने पिछले 5 सालों में मिली हर एलियन शार्क के आंकड़े लिखे हैं। ये कमाल है। सबसे अद्भुत शार्क्स में से एलियन आइस भी एक है। वो 600 फीट नीचे मिलती हैं, जहां सूरज की तेज रोशनी भी अंधेरे को चीर कर नहीं आ सकती। आप या मैं ऐसे में अपने चेहरे के सामने कुछ फीट भी नहीं देख सकते, और यही वो वक्त है जब खतरा बढ़ जाता है और दिखाई पड़ती है गल्पर शार्क की चमकीली आंखें। ये गल्पर प्रजाति की सबसे बड़ी शार्क है। इनका नाम गल्पर्स इनके बड़े मुंह की वजह से रखा गया है, और उस मुंह में एक के पीछे एक कई ब्लेड जैसे नुकीले दांत होते हैं। शार्क्स की दुनिया में इनकी प्रजनन शक्ति सबसे कम होती है, पर जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है इनकी आंखें। गल्पर्स की बहुत बड़ी हरे रंग की आंखें होती हैं। ये घने अंधेरे में भी देख सकती हैं। गल्पर्स की आंखें डायनासोर्स के युग से विकसित होती आ रही हैं। समुद्र की गहराई में शिकार करने के लिए इनकी आंखों की बनावट एकदम सटीक है। रोशनी की संवेदनशीलता के मामले में गल्पर्स की आंखें किसी बेहतरीन कैमरे से भी ज्यादा तेज है। उसकी वजह यह है कि रोशनी इनकी आंखों के कॉर्निया से अंदर जाती है और उसका प्रतिबिंब कॉर्निया से ही वापस बाहर आता है। इसलिए शार्क एक ही चीज को दो बार देख लेती है और इसे अंधेरे में देखने में कोई परेशानी नहीं होती। एक और है क्रेपिडेटर। ओहो, ये जिंदा है। क्रेपिडेटर या लंबी नाक वाली डॉग फिश बहुत कम ऐसी शार्क्स में से हैं जो 7000 फीट की गहराई में रहती है। इतनी गहराई में कोई रोशनी नहीं होती है और क्रेपिडेटर की त्वचा भी एकदम काली होती है। हमें इसे पानी में वापस छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉगफिश गहरे समुद्र का राजा है। समुद्र तल में इनके जैसे आराम से कोई नहीं रह सकता। इनके खाने में ज्यादा नखरे नहीं है, कुछ भी खा लेती है, और गहराई में इन्हें काफी कुछ खाने को मिल जाता है। डॉगफिश का नाम इनके खाने के अंदाज पर पड़ा है। ये कुत्तों की तरह अपने शिकार को चीर फाड़ देती हैं। इनके कॉर्निया के पीछे परछाई दिखाने वाले सेल्स होते हैं जो इन्हें बहुत हल्की रोशनी में भी देख पाने की शक्ति देती हैं। ये बहुत डरावनी भी दिखती हैं, जैसे पानी के अंदर किसी बिल्ली की चमकती आंखें हों। एक विचित्र शार्क ने तो अंधेरे में देख पाने की सारी हदें पार कर दी। ये है घोस्ट शार्क। सतह से 2 मील नीचे घोस्ट शार्क की अपनी ही दुनिया है। इसका नाम घोस्ट शार्क इसलिए पड़ा क्योंकि ये है ही बिल्कुल भूत जैसी। इसकी आंखें बेहद डरावनी हैं और इसके बड़े फिन्स इसे मनचाही दिशा में घुमा सकते हैं, और पानी में तैरते वक्त ये भूत जैसी ही नजर आती है। 2014 में पॉल क्लर्किन ने एक घोस्ट शार्क की ऐसी प्रजाति खोज निकाली जो किसी इंसान ने पहले नहीं देखी थी। जरा ऐसे देखिए तो कितनी बड़ी है। ऐसे जीव तो सिर्फ कल्पना में ही होते हैं। ये 3 फीट से भी लंबी है। एक अविश्वसनीय खोज। ये कांटे सिर्फ चाकू की तरह नुकीले ही नहीं बल्कि जहरीले भी हैं, जो असहनीय दर्द पैदा कर सकते हैं। घोस्ट शार्क सच्चे मायनों में प्रागैतिहासिक काल की है। इसके होने के निशान 400 मिलियन साल पहले से हैं, जब से पहली शार्क समुन्द्र में आई होगी।